कर आवाज आ रही है, बरसते हैं भगवान। सब जमीन के लिए हो गई ना, अम्ब्रेला ले ले। हाँ ले लेते हैं। जोरदार बारिश और अम्ब्रेला लेके जाना पड़ेगा हम लोग को। आज आ गया कि बार बार बोल रहे हैं, मैं वीडियो बनाया जाऊंगा। दरवाजे पे ही है, लेके आओ। तो गाइस अभी आ चुका है आयुष्मान का केक। आज है आयुष्मान का बर्थडे, अभी मतलब आज ही है, कल है, कल 6 तारीख है, कल आयुष्मान का बर्थडे है, पर आज ही हम लोग सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि आज है। डॉली उड़ गई है, केक वगैरह आ चुका है। आज 5 तारीख है, कल 6 तारीख है, तो अभी 12 बजे से मेरे बच्चे का बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा। खुश तो बहुत है पर दिखाना नहीं चाह रहा है। खुशी में तो मन में कूद रहा है, लड्डू फूट रहे हैं। देखा तो देख ले, अभी टाइम है अपने गिलास को केक को पहले। कल एक कॉक लेकर आऊंगा चिकन वाले। कॉक कॉक लोगे? उड़ गई, सोई थी बेचारी। केक ऐसे रखे थे कि ये सब गिर गया है, पर कोई बात नहीं, यहाँ पर मिट गया, कोई बात नहीं। हम लोग वैसे भी आयुष्मान का नाम तो कट करने वाले नहीं थे। आयुष्मान ना ऐसा नाम है, पर हम इसे खा जाते हैं। पर कल अजय और केक लाएंगे। ओके, हमको केक खाना है, हमको डेकोरेशन नहीं खाना है। केक कट करना है आयुष्मान। कट वाले कह रहे ये देखो, बाप बेटे तो खाने में स्टार्ट कर दे रहे भाई, केक कटिंग होगा। एक जगह इस पे का वो लगाओ यहाँ, यहाँ पे है ना, ये लगता अपने मन का ही काम कर दे, लगता अलग ही बर्थडे सेलिब्रेट होता है भाई। बाप का बेटा वो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज है आयुष्मान का बर्थडे और ये वीडियो बहुत पुराना है, 5 मार्च का ये वीडियो है। आप लोगों को पता ही है कि मैं ज़्यादा मतलब जल्दी वीडियो एडिट नहीं कर पा रही हूँ, तो इस वजह से देर से आ रहा है, आप लोग देख लीजिए। वैसे भी ये बर्थडे रात को हम लोग अकेले ही मना रहे हैं, दूसरे दिन पार्टी होगी। चलो चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आयुष्मान, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर आयुष्मान, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक करके खिलाई नहीं पा रहे, यहाँ वहाँ रखा हुआ केक खिला रहे हैं। केक कटिंग हो चुका है और केक कटिंग होने से पहले अजय केक खिला देते हैं। अजय का आदत बहुत बेकार है, कटिंग नहीं हुआ है तब तक सबको खिलाना चालू कर देते हैं। लोग खाओ खाओ खाओ, केक के अंदर भी चेरी था। सारा चेरी आयुष्मान को खिला दिया पहले ही, वो बेचारा केक ही नहीं फ्लो कर पा रहे, कैंडल ही नहीं फ्लो कर पा रहा था। ब्लो जो भी होता है, ब्लो फ्लो, आई नो दिस, समझ गए ना? ओके, क्या बोले? यू नो दिस, आई डोंट नो इंग्लिश। तो अभी रात हो गई है, केक कटिंग हो चुका है, थोड़ी देर में अजय और उनके बच्चे कुछ डांस आइटम पेश करने वाले हैं। मैं तो थक गई, मैं तो सो गई। कल अभी डांस नहीं करोगे तुम लोग? टुमारो ठीक है, टुमारो ये लो, ये दो जनों को मारो। खा लो तुम लोग भी, एकदम ठंडा सा बर्थडे हुआ है आज। कल होगा अच्छे से। तो डांस नहीं करोगे तो ठंडा सा बर्थडे है ना, करो डांस। क्या करने का, लोगों को तकलीफ हो रही है तो कम नहीं है। किन लोगों को तकलीफ हो रही है भाई? पता नहीं, कुछ तो लोग हैं, तो अराजक तत्व लोग हैं जिनको तकलीफ हो रही है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी सब लोग बिजी हैं, मैं भी शॉप पे जाती हूँ, डॉली भी जॉब पे जाती है, तो इस वजह से थोड़ा टाइमिंग का हेर फेर हो जा रहा है, इस वजह से ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर रहे हैं। और पापा को बुरा लग रहा है कि उनके बच्चे के बर्थडे में ज़्यादा सब लोग इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो उनकी बेटियाँ और वो तीनों मिल के इतना हंगामा कर देते थे कि मतलब मज़ा आ जाता था। पता नहीं क्यों, मुझे तो अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरी फैमिली खुश रहती है, सभी को ऐसा अच्छा लगता होगा। फैमिली खुश रहती है तो सभी को खुशी होती है, मुझे भी होती है, पापा को भी होता ही होगा उनके, मतलब अजय को। इस वजह से उनको भी बुरा लग रहा है कि उनकी बेटियाँ खुश मतलब इन्जॉय नहीं कर रही हैं। कैसे करेगी इन्जॉय बेचारी, थोड़ी देर में उठ के उसको जाना रहेगा, तो भी उसको नींद भी पूरी नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी पापा तो पापा होते हैं, तो उन्होंने अपने बेटे को थोड़ा सा डांस वांस करके इन्जॉय करवाया, क्योंकि मेरा बच्चा चाह रहा था कि उसको कहीं लेके जाए बाहर घुमाने के लिए, पर पढ़ाई की वजह से नहीं लेके जा पाएंगे, तो यही घर में इन्जॉय करवा दे रहे हैं। दूसरे दिन भी होगा, भावना वगैरह बिंदु बिंदु आएंगे। ज़्यादातर लोगों को बुलाती नहीं हूँ मैं, क्योंकि मम्मी पापा बहुत दूर से आएंगे, फिर उन लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, मम्मी चल नहीं पाती, आप लोगों को पता ही है।
तो लोगों को ऐसा लगेगा पांच माला चढ़ना सबको भारी पड़ता है, इसलिए अब किसी को ज़्यादा बुलाती नहीं हूँ। सब लोग मेरा नाम रखे हुए हैं पहाड़ों वाली माता। मेरी बहन बोलती है जीवदानी मैं नहीं चढ़ पाऊँगी। और मम्मी तो जीवदानी के आसपास ही रहती हैं, लेकिन फिर भी बोलती नहीं अब पांच माला चढ़ना हमारे बस की बात नहीं है। तो कोई बात नहीं, जितना हो सकेगा उतना, जितने लोग आ सकेंगे उनको बुला के हम लोग अपना पार्टी शार्टी कर लेंगे छोटा मोटा, और फिर उसके बाद में जब छुट्टियां पड़ेंगी स्कूल की तब आयुष्मान जाएगा अपनी दीदी लोग के साथ में कहीं जाके घूम फिर के आएगा, क्योंकि मैं तो तभी भी नहीं जा पाऊँगी, शॉप पे काम रहेगा तो नहीं जा पाऊँगी। लोग यही सोचते रहते हैं कि ये बहुत बिजी हो गई, बहुत पैसे कमा रही है। पैसे नहीं कमा रही उतने, पर मेहनत तो कर रही हूँ, मेहनत करना ज़रूरी है। ऐसा अब ऐसा लग रहा है ना कि घर पे बैठना नहीं अच्छा लगता है मुझे। जब से शॉप चालू किया है छुट्टी मैंने नहीं लिया। एक बार संडे के दिन बच्चे लोग ने ज़्यादा बोला कि मम्मी जाने दो आज घर पे रहो ना, छुट्टी ले लो ना, तो मैंने शॉप बंद रखा। तो 12 बजे के बाद मुझे ऐसा लगने लगा अब मैं क्या करूँ, मैं बोर होने लगी कि कहाँ जाऊँ क्या करूँ, अब तो बिल्कुल टाइम ही टाइम फ्री में बैठी हुई हूँ, क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैंने बोला बच्चों को कि आज के बाद मैं कभी छुट्टी नहीं लेने वाली हूँ, भले कुछ भी हो जाए शॉप पर जाना ही जाना है, क्योंकि अब आदत पड़ गई है। तो ऐसा लगता है कि घर पे बैठ के क्या करूँगी, घर पे बैठ के क्या करूँगी, वहाँ जाऊँगी थोड़ा काम करूँगी। तो ऐसा होता है ना कि किसी चीज़ की आदत जब लग जाती है तो फिर जल्दी छूटती नहीं, तो वैसे ही हो गया है। अरे यहाँ पर बाप बेटे दोनों बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही मुझे डांस नहीं आता है, मुझे भी बार बार बुला रहे थे डांस करने के लिए, लेकिन मैं कैसे जाऊँ, अपनी बेइज्जती करवाओगे डांस करके? एक बार तो करवा चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं करवा सकती हूँ। आप लोगों को पता ही होगा एक शॉर्ट बनाया था मैंने ऊंची नीची है डगरिया वाले गाने पे, हे भगवान। बच्चे लोग भी और सभी लोग मुझे चिल्ला रहे थे कि किसी ने गन पॉइंट पे डांस करने के लिए बोला है क्या, जो ऐसे डांस कर रही है। तब से मैंने सोचा मैं डांस तो नहीं करूँगी चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि डांस आता नहीं है तो करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सोचा था ट्राई करूँगी थोड़ा थोड़ा शायद आ जाएगा, पर नहीं आया। पर आयुष्मान को आ गया, उसके पापा के सारे स्टेप्स आ गए, उसको भी थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से कर रहा है मेरा बच्चा। और गाना मैंने म्यूट किया हुआ है क्योंकि आमिर खान के गाने चल रहे हैं भाई, और इस पे बहुत बड़ा कॉपीराइट आ सकता है। और पता है आप लोगों को चैनल मोनेटाइज होने के लिए कॉपीराइट्स नहीं आने चाहिए, नहीं तो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो अभी लोग का डांस चालू है, तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करना और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ अपने सारे कॉन्टैक्ट में शेयर करना ताकि मेरा भी चैनल ग्रो करे। सबके चैनल ग्रो कर जाते बस मेरे ही नहीं कर रहे, मेरा ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या पनवती लगी हुई है। अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाती हूँ फिर भी ऐसा हो जाता है मेरे साथ। धीरे धीरे यूट्यूब पे 3 साल हो गए और चैनल ग्रो नहीं हुआ, तो ऐसे सब बातें दिमाग में आएंगी ना। आज मेरे बच्चे का आशीर्वाद देना अच्छे से। बाय बाय। आज मैं जा रहा, स्कूल रेडी हो गया है, ये टी शर्ट रात को जो लेके आए इसके लिए। आयुष्मान चले तो देखो, मस्त लग रहा है, हैंडसम लग रहा है मेरा बच्चा। तभी आयुष्मान को छोड़ के आ चुकी हूँ, गणपति दरबार माता रानी यहाँ बैठे हुए हैं। तभी क्लियर नहीं दिख रहे थे, अब उजाला आ गया तो क्लियर दिख रहा है। बहुत अलग फोकस आता है, इसलिए बंद कर देते हैं। देखो क्या होता है, आज तो सबको मालूम पड़ गया था कि आयुष्मान का बर्थडे है। तो पिछली बार तो सर रोक लिए थे कि ऐसे कपड़े क्यों पहन के आए हैं, थोड़े से पगले के लगते हैं मुझे, चलते हैं ऊपर। तो घर का सारा काम निपटा के मैं चली गई थी शॉप पे, शॉप का भी सारा काम निपटा लिया है। अजय आ गए मुझे लेने के लिए, और आज उनके बेटे का बर्थडे है तो थोड़ा अच्छे मूड में है, गाना वाना गाए जा रहे हैं, खुश रहते हैं। तो गाड़ी चलाते हुए बहुत गाना गाते बहुत, और कभी कभी दिमाग ख़राब रहता है तो बहुत लड़ाई भी करते हैं हम लोग, गाड़ी पर ही लड़ाई हो जाती है हमारी, पर आज अच्छा है तो अच्छा लग रहा है। पहुँचते हुए खाट खूट की आवाज़ आ रही है हम लोगों को, अभी पता चलेगा आप लोगों को भी क्यों आ रही है ये। और वॉचमैन हमारी बिल्डिंग तोड़ रहा है भाई, बहुत तोड़ने फोड़ने वाले बन गए, बिल्डर बन गए। नीचे मुझे पता चल चुका है कि बिंदु एंड फैमिली ऊपर पहुंच चुकी है, सब लोग हंगामा कर रहे हैं, बस हम लोग लेट हो गए, तो हम लोग भी पहुंच गए वहां पर, लेट टाइम हो गया सबका, हंगामा करना बर्थडे मनाना। ऐसा होता है ना, दुख में आप अकेले रह सकते हो अच्छा लगता है, दुख में अकेले रहना अच्छा लगता है, पर खुशियों में सबके साथ रहना अच्छा लगता है, क्योंकि खुशियां अकेले नहीं मनाई जाती है, सब साथ में रहते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। भगवान करे दिन दुगनी रात चौगुनी करे, मेरा बच्चा तरक्की करे। अच्छे से पढ़ाई करे,
पढ़ लिख के बहुत बड़ा ऑफिसर बने हैं। आई इसका गेमर बनना है। देख मेरे सारे चावल गीता चिपके। पहले काम करना पड़ेगा ना। Happy birthday to you, happy birthday dear Ayman, happy birthday to you, may God bless you, may God bless you, happy birthday dear Ayman, happy birthday to you, hey! Yay, oh, Michelle, शुरू होने वाला है। हाँ? अरे मेरे हाथ से खा भाई। खा ले आयुष्मान को पहले मैं चबाऊंगा। क्या चबाऊंगा? नाना नाना आपको कैसा लग रहा है? नाना नाना बताइए। अभी फिर से केक कटिंग हो चुका है। खाना हम लोग ने बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था, वेज बिरयानी मंगवाया था, तो खाना वगैरह खाएंगे। पहला केक कटिंग होगा, फिर खाना खाएंगे, उसके बाद फिर केक खाएंगे, उसके बाद अपने अपने घर चले जाएंगे ये लोग और हम लोग यहीं रह जाएंगे। पर साथ में मिलते हैं तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि सारा दुख दूर हो जाता है। और ये वीडियोस अलग अलग आ गए हैं क्योंकि कुछ वीडियो बने हैं लवली डॉली के फ़ोन में, कुछ बने हैं मेरे फ़ोन में। तो डॉली का फ़ोन अच्छा वाला है, मेरा थोड़ा ख़राब वाला है। ख़राब वाला नहीं है, मेरा ही अच्छा है क्योंकि मेरे फ़ोन में बनते हैं ब्लॉग्स, तो मेरा ही अच्छा है। तो यहाँ पर इन लोगों की मस्तियाँ चालू है, ये लोग दोनों मस्ती करने में माहिर है एकदम। आयुष्मान तो उतना नहीं करता है पर ओम बहुत मस्ती करता है, बहुत मस्ती करता है। पर पता नहीं क्या हो गया बच्चे को, कुछ टाइम से उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो थोड़ा सा मन उदास है उसका, नहीं तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बच्चा। सो अभी मैं सबके पास फोन पास करूंगी और सब लोग आयुष्मान के बारे में एक लाइन में कुछ ना कुछ बोलेंगे। सो फर्स्टली द मॉम, आयुष्मान मेरा हीरो है। ओके मेरा राजा बेटा। पापा आयुष्मान द बेस्ट गाइस। लल्ला है मेरा, छल्ला है मेरा। आयुष्मान इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज माय भाई। ओके आयुष्मान मेरा बेटा है और बहुत अच्छा है, गुड बॉय। थैंक यू। आयुष्मान सबसे बेस्ट गेमर है। क्या बोल रहा है ना, आप क्या बोलना चाहोगे? मेरा बच्चा है। अच्छा ठीक है। और तू? आयुष्मान मेरा सबसे लाडला भाई है। किधर है आयुष्मान? तू क्या बोलना चाहते सबको? पर ये दुश्मनों की दुश्मन जो है ओ माय गॉड, पूरा चाट डाला। तो अभी बर्थडे मना के खाना वाना खा के हम लोग ने थोड़ी देर गप्पे मारे, उसके बाद में अभी टाइम हो चुका है, उन लोगों को भी नींद आ रही है सबको, तो लोग जा रहे हैं घर पे। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो बार बार बोल रही हूँ लेकिन फिर भी कोई सुनता ही नहीं है, इसलिए बार बार बोलना ही पड़ता है मुझे कि प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।